लद्दाख घूमने का सपना तो शायद सभी का होता है, हमारा भी था। तो निकल पड़े तीन दोस्त लद्दाख घूमने के लिए, वो भी अपनी प्यारी सेंट्रो के साथ। ये हैं हमारे मोहित भाई, जिन्होंने लद्दाख टूर का पूरा रोड मैप तैयार किया। और ये हैं हमारे मोंटी भाई, सबसे मस्त मोला इंसान और एक थंब है शोभित। मैंने इस लद्दाख टूर की सभी छोटी छोटी यादों को अपने कैमरे में कैद किया। उन्हीं यादों को और मेरे लद्दाख टूर के एक्सपीरियंस को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथ ही आपको वो सारी जानकारी दूंगा लद्दाख टूर की, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप लद्दाख घूमना चाहते हैं। आपको कैसे जाना चाहिए, बाइक, अपनी गाड़ी, बसेस, क्या बेस्ट रहेगा, किस रास्ते से जाना बेस्ट रहेगा, परमिट कैसे बनवाया जाता है, टोटल कितना खर्चा हो सकता है, कब जाना चाहिए, ऐसी बहुत सी अहम जानकारियां लद्दाख टूर की आज आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना, पर कुछ करके जरूर जाना, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। चलिए चलते हैं लद्दाख। सबसे पहले बात करते हैं कि लद्दाख कैसे जाया जाए। देखिए, लद्दाख जाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। आप चाहें तो अपनी बाइक लेकर जा सकते हैं, आप चाहें तो रेंटेड बाइक लेकर जा सकते हैं, आप चाहें तो अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं, आप चाहें तो बसेस के थ्रू भी लद्दाख टूर कर सकते हैं, और आप चाहें तो टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। ये चार तरीके हैं, किसी भी एक तरीके से आप लद्दाख जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग या तो अपनी गाड़ी ले जाते हैं या फिर बाइक से एडवेंचर करते हैं, और कुछ लोग बसेस के थ्रू भी लद्दाख टूर करते हैं। मैं सभी की जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। हमने लद्दाख टूर अपनी खुद की प्यारी सी सेंट्रो से किया। कहते हैं कि वहाँ पर छोटी गाड़ी ले जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब आज आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन कैसे जाएं, किस गाड़ी से जाएं, ये डिसाइड करने से पहले आपको आपका रोड मैप तैयार करना होगा कि आपको किस रास्ते से जाना है। जाने के चार अलग अलग रास्ते हैं। जी हाँ, पहला तरीका है कि आप कश्मीर होते हुए जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए ले आइए और वापस भी इसी रास्ते से आ जाइए। इसमें करीब आपकी बाइक या कार 3200 किलोमीटर चलेगी। दूसरा तरीका है कि आप कश्मीर, जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए जाइए और रिटर्न मनाली साइड से आ जाइए। इस पूरे टूर में करीब आपकी गाड़ी 2900 से 3000 किलोमीटर चलेगी। तीसरा तरीका है कि आप मनाली साइड से जाइए और कश्मीर साइड से वापस आ जाइए। इसमें भी करीब 2900 से 3000 आपकी गाड़ी चलने वाली है। और चौथा तरीका है कि आप मनाली साइड से ही जाइए और मनाली साइड से ही वापस आ जाइए। इसमें करीब 2500 से 2600 किलोमीटर गाड़ी चलती है। 70-80% लोग मनाली से लद्दाख जाते हैं और रिटर्न भी इसी रास्ते से आते हैं। एक तो छोटा भी है, दूसरा फुल ऑफ एडवेंचरस ये रोड ट्रिप रहती है। और हमने मनाली से लद्दाख जाने का ही फैसला किया, वो भी अपनी सेंट्रो से। हालांकि बसेस भी इसी रास्ते से लद्दाख जाती है। अच्छा, आप में से कौन कौन लोग लेह लद्दाख घूम चुके हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और हाई पासेस में से कौन कौन से पासेस पर आप जा चुके हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही आपकी क्या राय है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं लद्दाख टूर से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, शायद आपकी सजेशन से किसी की हेल्प हो जाए। चलिए अब वापस आते हैं अपनी गाड़ियों पर।
देखिए अगर आप बाइक लेकर जाते हैं तो अपनी बाइक लेकर जाइए या अपने किसी फैमिली मेंबर की बाइक लेकर जाइए, साथ ही उसकी आईडी प्रूफ भी लेकर जाइए। आधार कार्ड आप रख सकते हैं, आपके भाई के नाम है बाइक, आपके मम्मी पापा के नाम है, जिसके भी नाम है, आप उनकी आईडी लेकर जाइए। कार भी लाते हैं तो भी आपको आईडी प्रूफ लेकर ही जाना पड़ेगा। अगर आप बसेस से आना चाहते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट बस है लद्दाख के लिए, लेह के लिए। किराया करीब 1800-1900 के आसपास रहता है उसमें, लेकिन इसकी ऑनलाइन बुकिंग पॉसिबल नहीं है, आपको काउंटर पे जाकर ही बुक करना पड़ेगा। दिल्ली से लेह जाने वाली बस डायरेक्ट तो लेह तक नहीं जाएगी, उसका एक नाइट का स्टे होता है केलोंग में। केलोंग में स्टे के बाद नेक्स्ट डे केलोंग से बस लद्दाख के लिए जाती है। अगर आपने दिल्ली से लेह का डायरेक्ट टिकट बुक किया हुआ है, आपके पास डायरेक्ट टिकट मौजूद है, तो केलोंग में आपको अपने खुद के खर्चे पर एक रात का स्टे करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे आपको केलोंग से ले जाने वाली बस मिल जाएगी। अगर आप केलोंग किसी दूसरी तरीके से पहुंच चुके हैं तो भी आप केलोंग से लेह बस के थ्रू जा सकते हैं। केलोंग से लेह के लिए सुबह 5 बजे एक बस चलती है जो शाम को 7 बजे तक लेह पहुंच जाती है, लेकिन इसका टिकट भी आपको एक दिन पहले ही बुक करना पड़ेगा। बुक भी आपको केलोंग के बस स्टैंड पर जाकर ही करना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक आप टिकट बुक कर सकते हैं। उसमें किराया करीब 658 रुपए के आसपास रहता है। तो ये तरीका भी सबसे बढ़िया है लेह पहुंचने का। अगर आप केलोंग में एक रात का स्टे कर रहे हैं तो केलोंग में होटल की मैं अगर आपको बताऊं तो 800-1000 रुपए में आराम से बस स्टैंड के पास ही होटल मिल जाते हैं। तो बस इसके थ्रू तो आप बहुत कम खर्चे में लद्दाख पहुँच सकते हैं। और एक और तरीका है कि आप टूर पैकेज बुक करके आ जाइए, उसमें तो आपको कोई भी हेडेक नहीं रहेगा, बहुत इजीली आप लद्दाख घूम लेंगे। मोस्टली टूर पैकेज लेह से ही दिए जाते हैं। देखिए अब मैंने आपको जाने के तरीके बता दिए, कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, सब कुछ बता दिया। हमने जो रास्ता चुना वो मनाली से लद्दाख वाला चुना, और गाड़ी भी हमारे पास अपनी थी, वो भी सेंट्रो। मनाली टू लद्दाख की अगर मैं बात करूँ तो करीब 427 किलोमीटर है। मेरे हिसाब से आप मनाली से आगे केलोंग या जिस्पा तक आ जाइए, एक रात का स्टे कीजिए। अगर आपके पास अपनी कार है या बाइक है, केलोंग रुक जाइए, या फिर आप उससे भी आगे आ जाइए जिस्पा रुक जाइए। जिस्पा में भी काफी सारे होटल और कैंप के ऑप्शन अब अवेलेबल है। हालांकि केलोंग में भी बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे और सस्ते भी हैं। मनाली से जितना आगे आप निकल जाए, नाइट स्टे कर ले, उतना ज्यादा आपको फायदा नेक्स्ट डे मिलेगा लेह पहुंचने में। केलोंग से बात करें तो केलोंग से लेह के बीच में 4 से 5 बड़े बड़े हाई पासेस पड़ते हैं। पहला है बारालाचा पास 15,912 फीट, दूसरा है नकीला पास 15,547 फीट, तीसरा है लाचुंगला पास 16,616 फीट, चौथा है तांगलांगला पास 17,482 फीट। ऐसे 4 से 5 बड़े बड़े दर्रों से होकर आपको जाना पड़ेगा। और इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक रास्ते में पड़ता है एक गाटा लूप, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दिल दिमाग शरीर को तोड़ देने वाली ये रोड ट्रिप बहुत ही एडवेंचर से भरी रहती है। केलोंग से लेह के बीच इस रास्ते में बहुत से बड़े बड़े नालों का आपको सामना करना पड़ेगा, बहुत से बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग आपको फेस करनी पड़ेगी। रोड ट्रिप की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको रोड मैप भी बता देता हूँ। केलोंग से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर बारालाचाला आता है। केलोंग से बारालाचाला के बीच के रास्ते में आपको एक बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी, जो बहुत खतरनाक भी है, बहुत संभल कर आपको वहाँ जाना होगा। बारालाचाला इस रोड ट्रिप का पहला हाई पास है। वहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर सरचू आता है, और बारालाचाला से सरचू के बीच में काफी सारे कैंप साइट भी हैं। अगर आपको नाइट स्टे करना है तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं, फूड फैसिलिटी भी वहाँ मिल जाती है। सरचू बेसिकली एक बॉर्डर है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का, जिसके एक और हिमाचल प्रदेश है, तो सरचू पार करने के बाद आप लद्दाख में एंट्री कर लेते हैं। वहाँ एक चेक पोस्ट है, एक हिमाचल प्रदेश की चेक पोस्ट और बॉर्डर पार करने के बाद दूसरी लद्दाख की चेक पोस्ट। दोनों ही चेक पोस्ट पर आपकी बाइक या कार का नंबर नोट किया जाता है, कितने मेंबर हैं आप ये नोट किया जाता है, और आपको आगे जाने दिया जाएगा। सरचू एक बहुत अच्छी जगह है, अगर आपको नाइट में स्टे करना है तो यहाँ पर आपको काफी सारे कैंप के ऑप्शन मिल जाएंगे। हालांकि कुछ होम स्टे भी मौजूद है, फूड फैसिलिटी भी यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाती है। शेयरिंग में अगर आप होम स्टे में रुकना चाहते हैं तो 200 रुपए पर पर्सन देकर आप सरचू में रात को रुक भी सकते हैं। सरचू से 24 किलोमीटर पर आता है सबसे खतरनाक रास्ता लद्दाख का, जिसे गाटा लूप के नाम से जाना जाता है। गाटा लूप के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर एक ड्राइवर की प्यास से मौत हो गई थी। वो इतना प्यासा था कि वो अपनी जान भी नहीं बचा पाया। उसने लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने उसको पानी तक नहीं पिलाया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि आज भी यहाँ उसकी आत्मा मौजूद है, और लोग अब वहाँ पानी से भरी हुई बोतलें फेंक कर चले जाते हैं। काश जब वो जिंदा था और जब वो पानी की मदद मांग रहा था, अगर तभी उसकी मदद की जाती तो शायद वो जिंदा होता।
अब पानी की बोतल फेंकने का शायद क्या ही मतलब रह जाता है। गाटा लूप बहुत खतरनाक रास्ता है, 21 से ज्यादा खतरनाक लूप है। यहाँ पर ड्राइव करना बहुत चैलेंजिंग रहता है। गाटा लूप सरजू और नकीला पास के बीच में मौजूद है। गाटा लूप की खतरनाक खड़ी चढ़ाई के बाद नकीला पास तक पहुंचा जाता है। गाटा लूप से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर आता है दूसरा पास नकीला पास, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 15,547 फीट है। और नकीला पास से 11 किलोमीटर की दूरी पर आता है तीसरा बड़ा हाई पास, जिसे लाचू लुंगला पास के नाम से जाना जाता है। हाइट करीब 16,616 फीट। और वहां से 22 किलोमीटर की दूरी पर आता है एक छोटा सा पॉइंट पैंग नाम का। यहाँ पर फूड के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, कैंप के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, इसे रेस्ट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ भी ज्यादा देर नहीं रुका जा सकता है, क्योंकि 15,500 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर पैंग मौजूद है। पैंग से आगे चढ़ाई शुरू होती है तांगलांगला हाई पास की। इस बीच में 2-3 छोटे छोटे गाँव भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे मेरो, डेबरिंग, इन जगहों पर फूड के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तांगलांगला इस रोड ट्रिप का सबसे हाईएस्ट पास है, हाइट करीब 17,482 फीट। इन सभी हाई पासिस पर तबीयत जनरली लोगों की खराब होने लगती है, सर दर्द, वोमिटिंग जैसा फील होना, तो बहुत ज्यादा देर तक इन हाई पासिस पर नहीं रुकना चाहिए। तांगलांगला से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर रोमसे नाम का एक और गांव आता है, जहां पर फूड और स्टे के ऑप्शन मौजूद है। इस पूरी रोड ट्रिप पर मैं देख पा रहा था कि जगह जगह फूड और स्टे के ऑप्शन अब बन चुके हैं। रुमसे से करीब 29 किलोमीटर की दूरी पर उपसी नाम का शहर आता है, और इस बीच में लाटो, मीरो जैसे छोटे छोटे गांव भी देखने के लिए मिलते हैं। और यहां से लेफ्ट हैंड पर जो पूरा इलाका है, ये हेमिस नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। उपसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर खारू नाम का एक और छोटा सा कस्बा देखने के लिए मिलता है, और ये जगह बहुत खास है लद्दाख टूर के लिए, क्योंकि यहीं से पेंगोंग लेक जाने वाला रास्ता भी डाइवर्ट होता है। यहाँ से पेंगोंग लेक की दूरी करीब 120 किलोमीटर है, जो एक बड़े हाई पास चांगलांगला से होकर गुजरता है। वहाँ भी मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं लेह। खारू से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर थिक्से और थिक्से से 19 किलोमीटर की दूरी पर लेह शहर आ जाता है। हमने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा शहर मौजूद होगा। लेह एक बहुत बड़ा शहर है। समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बना ये शहर देखने लायक जगह है। हालांकि थोड़ी सी तकलीफ इस शहर में हमें फेस करने के लिए मिली, जैसे ऑक्सीजन से संबंधित। उसके लिए क्या किया जा सकता है, वो भी मैं आज आपको आगे बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। ये तो तरीका होता है लेह पहुंचने का। केलोंग से लेह आने में सुबह से शाम लगभग हो जाती है। अगर केलोंग से आप सुबह 5 बजे निकलते हैं, तो आप शाम तक ही 7-8 बजे तक ही लेह पहुंच पाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। बड़े बड़े हाई पासिस से अगर आपको निकलना पड़ता है, बहुत ज्यादा समय उसमें लग जाता है। लेह में रुकने की बात करें, होटल्स की बात करें, तो 1,500 से 3,000 रुपए में आसानी से यहाँ पर रूम मिल जाते हैं। रूम आप कहाँ पर लेंगे लेह में, चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। आप न्यू बस स्टैंड के आसपास होटल ले सकते हैं, आप चाहे तो लेह के मेन मार्केट में जाकर भी होटल ले सकते हैं, आप चाहे तो लेह श्रीनगर हाईवे पर मौजूद होटल्स में रूम ले सकते हैं, आप चाहे तो शांति स्तूपा रोड पर भी रूम्स ले सकते हैं, आप चाहे तो ओल्ड बस स्टैंड के आसपास भी लेह में रूम ले सकते हैं। चॉइस आपकी, आप जहां मौजूद हो वहां पर आपका रूम बुक कीजिए। एक रात लेह में रेस्ट करने के बाद आप नेक्स्ट डे आगे का टूर कर सकते हैं। अब उस दिन लेह के लोकल प्लेसेस को घूमने चले जाइए, लोकल सिटी टूर कर लीजिए। मोस्टली जितनी भी लेह की लोकल साइट्स हैं, वो लेह से श्रीनगर जाने वाले हाईवे पर ही मौजूद है। और सबसे अच्छी बात, लेह लोकल घूमने के लिए आपको किसी भी परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमिट की जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी, कैसे परमिट बनेगा, कैसे बनवाना पड़ेगा, वो सारी बातें भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। नेक्स्ट डे आप लेह के लोकल प्लेसेस को घूमने जाइए, जिसमें सबसे पहला है हॉल ऑफ फेम। यहाँ पर 250 रुपए का टिकट रहता है, जिसकी 7 दिन की वैलिडिटी है। यानी आज आप टिकट खरीदेंगे तो 7 दिन तक कभी भी आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। 14 साल तक के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं है, फ्री उनको ले जा सकते हैं। वहाँ अंदर एक म्यूजियम है, लाइट एंड साउंड का शो होता है, उसे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। सेकंड, आप गुरुद्वारा पत्थर साहिब देखने के लिए जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जगह है, ऐतिहासिक जगह है, गुरु नानक देव से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक जगह है। तीसरा पॉइंट, आप मैग्नेटिक हिल देखने जाइए। मैग्नेटिक हिल एक मैजिकल जगह है, जहाँ ऑटोमेटिक गाड़ी चलने लगती है, एक मैग्नेटिक फोर्स है
जिसकी वजह से गाड़ी अपने आप चलती है। वहां पर एक एटीपी राइड भी कराई जाती है जिसका 1200 रुपए टिकट है। आप जो स्नो स्कूटर जिसको बोला जाता है बेसिकली वो राइड कर सकते हैं 1200 रुपए पर पर्सन, 2.5-3 किलोमीटर का वो सफर रहता है। उसके आगे आप संगम देखने के लिए जा सकते हैं जिसमें सिंधु नदी और जांस्कर नदी का संगम होता है। उस संगम के पास ही आप रिवर राफ्टिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। लद्दाख की रिवर राफ्टिंग इंजॉय करने का भी एक अलग ही मजा है। पांचवी जगह है कि आप शांति स्तूप देखने के लिए चले जाइए। लेकिन जो पिछली चार जगह मैंने आपको बताई है ना, ये सारी जगह लेह से श्रीनगर जाने वाले हाईवे पर ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक एक करके चारों जगह घूमने जाइए और शाम के वक्त आप शांति स्तूप देखने के लिए चले जाइए 5-6 बजे। 5-6 बजे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय शांति स्तूप घूमने का एक अलग ही मजा रहता है। शांति स्तूप में कार पार्किंग भी है जो एब्सोल्युटली फ्री है। एंट्री टिकट 30 रुपए का है शांति स्तूप में। बहुत अच्छी जगह है, शाम के वक्त आप वहाँ घूमेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ से आप लेह का एक बहुत खूबसूरत व्यू भी देख पाएंगे। हालांकि यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है लेकिन आप कैमरा यूज कर सकते हैं। लेह लद्दाख टूर में काफी जगहों पर ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है। जितने भी पिछले प्लेसेस मैंने आपको दिखाए वहां भी ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है। इन सब के बाद रात के वक्त शाम के वक्त आप लेह के मार्केट घूमने के लिए चले जाइए। बहुत खूबसूरत मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। ये जो आप व्यू देख रहे हैं ना, ये लेह के मार्केट का है। आप सोच रहे होंगे ये किसी माल रोड से कम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेह का ये मार्केट किसी बड़े हिल स्टेशन के माल रोड से कम नहीं है। यहाँ आप तिब्बतन कल्चर से जुड़ी हुई बहुत सी अलग अलग चीजों को परचेज भी कर सकते हैं। फूड के लिए भी काफी सारे कैफे और रेस्टोरेंट इस मार्केट में मौजूद हैं। 1-2 घंटा तो आप यहाँ पर बहुत आराम से घूम लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर लिखा हुआ है आई लव लेह, वहां पर आप सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। एक पॉइंट है जहां पर लिखा हुआ है आई लव लद्दाख, वहां पर आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहेगा लेह मार्केट का, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ये होता है आपका नेक्स्ट डे का प्लान। सही मायने में लद्दाख घूमने के लिए ना आपको लेह में कम से कम 48 घंटे तक रुकना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लेह से कुछ दूसरी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। ऐसा इसलिए बताया जाता है कि आप वहाँ के एनवायरनमेंट में ढल जाएं, आपकी बॉडी एक्यूमलेटाइज हो जाए, क्योंकि आप हाई एलिवेटेड जगह पर हैं, बहुत ऊंचाई पर मौजूद है, करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है लेह में। और उसके बाद अब जब आप नुब्रा वैली जाएंगे, पेंगोंग जाएंगे तो और भी ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे। तो करीब 48 घंटे लेह में रुकिए अगर पॉसिबल है तो। इवनिंग में अगर आप पहुंचते हैं, इवनिंग में रात को वहां स्टे कीजिए, नेक्स्ट डे लोकल लेह घूमिए, उस दिन भी रात को रुक जाइए और उसके अगले दिन यानी तीसरे दिन आप लेह से दूसरी बड़ी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जरूरत होगी परमिट की। जिस दिन आप लेह में घूम रहे हैं ना उसी दिन आप सेम डे परमिट बनवा लीजिए। तरीके हैं तो, या तो आप ऑनलाइन खुद अप्लाई कर दीजिए, वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा तरीका है कि आप लेह में मौजूद साइबर कैफे पर जाकर परमिट बनवा सकते हैं। सबसे आसान तरीका है और सबसे बेस्ट भी है, आपकी कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। लेह में किसी भी साइबर कैफे से आप इस परमिट को बनवा सकते हैं। मेरे हिसाब से यही तरीका बेस्ट है। और सबसे अच्छा है कि आप कंप्लीट लद्दाख टूर का परमिट बनवा लीजिए, फिर पूरे लद्दाख में आप कहीं भी घूमने जाइए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। 4-5 दिन का परमिट बनवाना होगा, करीब 12 अलग अलग रोड का आपका परमिट बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप कहीं भी लद्दाख में घूमने चले जाइए, आपको परमिट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। और ऑब्वियसली जब लद्दाख जा रहे हो तो वहाँ के लोगों को भी कुछ रुपए कमाने का मौका देना बनता है। परमिट की कॉस्ट की बात करूँ तो एक मेंबर का करीब 600 या 700 रुपए में कंप्लीट लद्दाख का परमिट बन जाएगा और उसकी 5-6 कॉपी भी वो दे देंगे। जहाँ भी जरूरत होगी आप एक कॉपी निकालिए और दे दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आप लद्दाख के किसी भी रोड पर निकल जाइए, चाहे पेंगोंग लेक, चाहे नुब्रा वैली, चाहे हुंदुर, चाहे तुरतुक, चाहे दीक्षित, चाहे सोमोरी लेक, किसी भी रोड पर निकल जाइए, आपको परमिट रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। करीब 11-12 अलग अलग रोड के परमिट कम्प्लीट लद्दाख टूर में बन जाता है। कॉस्ट करीब 600-700 रुपए रहती है। और जिस दिन आप लेह में लोकल घूम रहे हैं ना उसी दिन इस परमिट को रेडी करवा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको आगे टूर के लिए जाना होगा। नेक्स्ट डे आप नुब्रा वैली, खारदुंगला पास, दिस्कित, हुंदर और तुरतुक टूर के लिए निकल सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप इनमें से किस किस जगह पर जाना चाहें। पहला पॉइंट है खारदुंगला पास, लद्दाख का हाईएस्ट पास, 17,582 फीट। उसके बाद आप दिस्कित जा सकते हैं जहां पर भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी स्टैचू बनी हुई है। उसके आगे आप हुंदुर जा सकते हैं जिसे रेगिस्तान बोला जाता है, लद्दाख का रेगिस्तान। वहां पर आप कैमल राइड भी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। वहां से आप आगे तुरतुक तक जा सकते हैं। तुरतुक पाकिस्तान के पास था, युद्ध जीतने के बाद हिंदुस्तान ने अपना कब्जा जमाया तुरतुक पर। तुरतुक पाकिस्तान के POK में मौजूद था और ये सारा टूर ना नुब्रा वैली का ही एक हिस्सा है। आप चाहे तो नाइट स्टे इन्हीं में से किसी एक जगह पर कर सकते हैं, सभी जगह आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। कुछ लोग खारदुंगला से ही वापस लौट आते हैं,
ये भी पॉसिबल है, आगे नहीं जाते हैं। और कुछ लोग खारदुंगला, दीक्षित, हुंदुर घूमकर वापस आ जाते हैं लेह, और कुछ लोग तुरतुक तक आगे जाते हैं। बट अगर आप तुरतुक जाते हैं तो कम से कम आपको एक दिन तो वहाँ रुकना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप तुरतुक नहीं जाते हैं तो आप सेम डे आप रिटर्न भी हो सकते हैं लेह के लिए, ऐसा पॉसिबल है। ये तो ये होता है डे 3 का प्लान। उसके बाद नेक्स्ट डे आप पेंगोंग लेक टूर प्लान कर लीजिए। परमिट आपके पास ऑलरेडी बन चुका है। देखिए, अगर आप नुब्रा वैली साइड से पेंगोंग लेक घूमने जाते हैं तो करीब 165 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े नाले आपको देखने पड़ेंगे, बहुत बड़ी बड़ी रिवर क्रॉसिंग का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप लेह में मौजूद है तो करीब 148 किलोमीटर चल के आप पेंगोंग लेक जा सकते हैं। लेह से करीब 55 किलोमीटर का शुरुआती रास्ता तो बहुत अच्छा है, बीच में ही आपका परमिट भी चेक हो जाएगा। उसके बाद का सारा रास्ता बिल्कुल नरक है भाई, सच बता रहा हूँ। शुरुआती 55 किलोमीटर के बाद का सारा रास्ता पेंगोंग लेक तक जाने वाला एकदम नरक है। पूरा टूटा फूटा रोड है, ऑफ रोड है, हालांकि उसको बनाने का काम अभी चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगले 1 या 2 साल में ये रोड बनके तैयार हो पाएगा। लेह से पेंगोंग लेक जाने वाले रास्ते में एक हाई पास देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है चांगलांगला। ऊंचाई है करीब 17,688 फीट, बहुत ऊंचाई पर है। बहुत ज्यादा ब्रीथिंग इश्यू होते हैं इन जगहों पर। रास्ते में स्टे के भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो दुर्बुक में रुक सकते हैं, वहाँ पर फूड फैसिलिटी भी है, स्टे के भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। 1500 रुपये में 3-bed room आपको आसानी से वहाँ मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वहाँ पे, जो करीब शाम को 5-5:30 बजे वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और रात को 11 बजे तक रहती है, उसके बाद गायब। और सुबह 5 बजे से 7-8 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है और उसके बाद फिर गायब। तो कुछ इस तरह के इंतजाम है दुर्बुक में रुकने के लिए। दुर्बुक से आगे आप पेंगोंग लेक के लिए जाएंगे। पेंगोंग लेक बहुत खूबसूरत झील है यार, 134 किलोमीटर लंबी झील, करीब 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। भारत के लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है, इसके 2/3 हिस्से पर चीन का कब्जा है। खारे पानी की ये झील सर्दियों में जम भी जाती है, बहुत अद्भुत जगह है। देखते ही मन करता है कि यार बस फोटो क्लिक कराते रहे, बहुत अच्छी लोकेशन है। आपने मूवी देखी होगी एक 3 Idiots, फिल्म के कुछ सीन पेंगोंग लेक के पास भी फिल्माए गए हैं। पेंगोंग लेक के आसपास स्टे के भी ऑप्शन है, कैंप में आप यहाँ रुक सकते हैं। 1500 से 2000 पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा विद फूड। आप चाहें तो लेह से एक दिन में ही पेंगोंग लेक टूर करके वापस भी आ सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग लेह से निकलिए पेंगोंग लेक के लिए, पेंगोंग लेक में 1-2 घंटा बिताइए और रिटर्न आ जाइए। रिटर्न आते वक्त आप चाहें तो दुर्बुक में रुक सकते हैं, आप चाहें तो वापस लेह तक भी आ सकते हैं, और आप चाहें तो खारू विलेज में भी रुक सकते हैं। वहाँ भी रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स और होमस्टे बने हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप पेंगोंग लेक के आसपास नहीं रुकना चाहते हैं, आपको ऊंचाई से दिक्कत होती है, तो वापस लेह की तरफ भी आ सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि आपको पेंगोंग लेक रुकना ही पड़ेगा। तो ये होता है लद्दाख टूर। अगर आप लद्दाख आते हैं तो लेह की लोकल साइट सीन के साथ इन सभी जगहों पर लद्दाख में घूमने जरूर जाइएगा। दोस्तों, अगर आप शिमला या मनाली घूमना चाहते हैं तो अब आप हमारे थ्रू यानी MS व्लॉगर के थ्रू शिमला मनाली टूर कर सकते हैं। MS व्लॉगर से टूर लेने का सबसे पहला फायदा यही है कि आपका लग्जरी टूर बहुत कम बजट में हो जाएगा, क्योंकि होलसेल रेट में हम आपको टूर प्रोवाइड कर रहे हैं। रिटेल रेट बहुत ज्यादा होता है, होलसेल रेट में लीजिए, फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मोहित भाई से बात कीजिए और शिमला मनाली या शिमला मनाली दोनों जगहों का टूर पैकेज बुक कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या साथ लेकर जाना चाहिए। देखिए, आप किसी भी सीजन में जाइए, किसी भी मंथ में जाइए, गर्म कपड़े आपको लेकर ही जाने पड़ेंगे। फूड के लिए आप कुछ ले जा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट अपने साथ रख सकते हैं, स्नैक्स अपने साथ रख सकते हैं। हाई पासिस पर जब आप जाएंगे तो इन सब से आपको काफी हेल्प मिलेगी, ये सब खाते आपको रहना चाहिए। वाटर बॉटल भी जरूर रखिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे। मेडिसिन किट जरूर रखिएगा, पेन किलर जरूर रखिएगा। हाई पासिस पर जाते वक्त सर में दर्द होने लगता है, हो सके तो एक पेन किलर पहले भी आप ले सकते हैं तो आपको दिक्कतें कम होंगी हाई पासिस पर। ऑक्सीजन सिलेंडर भी आप आपके साथ कैरी कर सकते हैं, 350 से 400 रुपये का ऑनलाइन मिल जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के फायदे ये हैं कि जब हम ऊंचाई वाली जगहों पर होते हैं, इवन लेह में भी, तो वहाँ पर ब्रीथिंग इश्यू होते हैं, स्ट्रेस हो जाता है माइंड में, तो उस वक्त सर में दर्द होने लगता है। वो सब होता ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही है, क्योंकि लद्दाख में पेड़ पौधे नहीं हैं, बहुत नाके बराबर हैं, तो वहाँ पर ब्रीथिंग इशू होता रहता है। लेह के रात के एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताऊँ, रात को 12-1 बजे के बाद वहाँ पर
बहुत ब्रीथिंग इश्यू फेस करने के लिए मिलता है, क्योंकि पूरे लद्दाख में पेड़ पौधे लगभग ना के बराबर हैं। सुबह के वक्त थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल भी जाती है, लेकिन रात में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू करते हैं तो लद्दाख के होटलों में रुकने में बड़ी दिक्कतें होती है। रात को 1-2 बजे के बाद तो बहुत ब्रीथिंग इश्यू होता है, सर में दर्द होने लगता है। तो ऐसे में अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास रखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। शूज स्लीपर दोनों रखिए, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मोबाइल नेटवर्क की अगर बात करें तो आपके साथ पोस्ट पेड सिम लेकर जाइए, वही चलेगा। किसी दूसरे राज्य का प्रीपेड सिम लद्दाख में नहीं काम करेगा, या तो लद्दाख का प्रीपेड सिम ही होना चाहिए, कश्मीर का प्रीपेड सिम होना चाहिए, वरना किसी दूसरे राज्य का प्रीपेड सिम यहाँ काम नहीं करेगा। या तो पोस्ट पेड सिम लेकर आइए, अदरवाइज नेटवर्क के बारे में बात ही करना बेकार है। इसके अलावा अगर आपने वैष्णो देवी यात्रा की है और वहाँ पर आपने यात्रा सिम खरीदा है तो वो सिम भी लद्दाख में काम कर जाएगा, उसे रिचार्ज कराइए और इस्तेमाल कीजिए। तो ये है मोबाइल नेटवर्क की बात लद्दाख में। पेट्रोल की बात करें तो लद्दाख जाने के लिए मनाली में पेट्रोल पंप है, और मनाली के बाद करीब 60-62 किलोमीटर की दूरी पर तांडी में भी पेट्रोल पंप है। तांडी से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर केलोंग में भी है, लेकिन वहाँ पर अवेलेबिलिटी का इशू रहता है। आप तांडी में डीजल पेट्रोल फुल कराइए और लद्दाख के लिए निकल जाइए। तांडी से लेह की दूरी करीब 368 किलोमीटर है। अब ऐसा नहीं है कि 368 किलोमीटर तक आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। लेह से 30 किलोमीटर पहले खारू में भी एक पेट्रोल पंप है, वहाँ आप फिल करा सकते हैं। तो करीब 330 किलोमीटर तक आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। लेह से पेंगोंग लेक जाते वक्त भी बीच में पेंगोंग लेक से करीब 35-40 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप मौजूद है। फूड की बात करते हैं तो पूरे टूर में आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत बेसिक खाना ही आपको मिलने वाला है। हालांकि आप यहाँ लेह पहुँचने के बाद लेह में मौजूद ट्रेडिशनल तिब्बत फूड का भी आनंद ले सकते हैं। देखिए बजट की बात करते हैं, बजट डिपेंड करता है आपके आप किस रूट से आते हैं, आपका रोड मैप क्या है, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। अगर आप बसेस से आते हैं तो बहुत कम खर्चे में आपका लेह लद्दाख टूर हो जाएगा, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लीजिए घूमने के लिए, तो बहुत कम खर्चे में आप लद्दाख घूम लेंगे। बट अगर आप अपनी बाइक ला रहे हैं, कार ला रहे हैं, तो मनाली से अगर मैं बात करूँ, मनाली टू लद्दाख, लद्दाख टू मनाली, करीब बाइक से ही 7,500-8,000 का तो पेट्रोल खर्च हो जाएगा। कार से आ रहे हैं तो करीब 16,000-17,000 का पेट्रोल खर्च हो जाएगा। होटल में एक दिन का टैरिफ करीब 1,500-2,000 रहता है, डबल ऑक्यूपेंसी से ट्रिपल ऑक्यूपेंसी तक। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का टूर करते हैं, कितने दिन आप रुकते हैं, उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए। परमिट की मैंने आपको बताई दिया, 600-700 रुपये पर पर्सन परमिट बनता है पूरे लद्दाख का। अगर आप कुछ एक दो जगह का ही परमिट बनवाते हैं तो वो और भी कम में बन जाएगा, बट मुझे लगता है कि कंप्लीट परमिट बनवाना चाहिए और बिंदास लद्दाख में घूमना चाहिए, क्योंकि घूमते वक्त परमिट का कोई इशू नहीं होना चाहिए, वरना पूरे टूर का मजा किरकिरा हो जाएगा। फूड पर डे आपका 600-700 रुपये खर्च होगा एक बंदे पर, डिपेंड करता है कितने दिनों आप रुकेंगे, कितने बंदे हैं आप, तो उसके हिसाब से आप अपना खर्चा जोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप बाइक रेंट पर लेकर आते हैं तो बाइक के रेंट का खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, 1,000-2,000 रुपये पर डे के रेंट पर बाइक मिलती है। उसमें भी अगर कुछ टूट फूट हो जाए, कुछ स्क्रैचेस आ जाए, तो उसका भी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उससे जाइए। मुझे तो यही लगता है कि अगर आप बाइक लाते हैं तो अपनी बाइक लेकर आइए, अपने किसी फैमिली मेंबर की बाइक लाइए, वो चल जाएगी, परमिट भी उस पर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन उनकी आईडी लेकर जरूर आइएगा। कार के केस में भी ऐसा ही है, खुद के वाहन से टूर करने का एक अलग ही मजा है। बट अगर आपको सस्ता टूर करना है तो बस से कर सकते हैं। अगर आप बहुत सस्ता टूर लद्दाख करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं एक प्रॉपर ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू बहुत कम खर्चे में पूरा लद्दाख टूर कर पाएंगे, वो भी बिना किसी परेशानी के। तो कमेंट करके बताइए, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट कीजिए। कोई और सवाल है लद्दाख टूर से रिलेटेड वो भी पूछ सकते हैं, जरूर जवाब दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके जाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, और हाँ, इस वीडियो के बाद मैं प्रॉपर एक पूरी लद्दाख सीरीज लेकर आऊँगा, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग एपिसोड्स मैं दिखाऊंगा, वो सभी एपिसोड्स देखिएगा आप, आपकी पूरी लद्दाख ट्रिप घर बैठे हो जाएगी, साथ ही फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन वो पूरी सीरीज रहने वाली।